प्रिय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने डीसी सर्किट से संबंधित प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध तथा ओम के नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रतिरोधों के श्रेणी व समानांतर क्रम एवं ओम के नियम पर कुछ प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे। सर्वप्रथम पहली प्रॉब्लम, जिसमें हमें दिए गए परिपथ के दो टर्मिनलों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। टर्मिनल ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सर्वप्रथम हम जहां भी दो प्रतिरोध या उससे अधिक का संयोजन है या कॉमन पॉइंट है, उनका नामकरण करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हमने चार नए बिंदु एफ ई डी सी मार्क किए हैं। अब हमें परिपथ में यह देखना है कि कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं अथवा कौन से प्रतिरोध समानांतर क्रम में हैं। उनको ज्ञात करने के पश्चात उनका तुल्य प्रतिरोध निकालकर उसे हम परिपथ में प्रतिस्थापित करेंगे। जैसा कि देखने से पता चलता है कि एफ ई के बीच लगा 2 ओम का प्रतिरोध, ई डी के बीच लगा 1 ओम का प्रतिरोध तथा डी सी के मध्य 3 ओम का प्रतिरोध, जिनमें की समान सेम धारा प्रवाहित होगी, अर्थात ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं। ऐसी अवस्था में इनका तुल्य प्रतिरोध उनके उन प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होगा, अर्थात R1 का मान 2+1+3=6 ओम। अब हम इन तीन प्रतिरोधों को हटाकर इनके स्थान पर एक 6 ओम का प्रतिरोध F और C के मध्य लगाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को परिपथ में रिप्लेस करने पर हमें चित्रानुसार सर्किट प्राप्त होगा। अब पुनः इस सर्किट को देखने पर पता चलता है कि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध जो बिंदु F और C के मध्य लगे हुए हैं, वो दोनों समानांतर क्रम में हैं। ऐसी स्थिति में उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R2 होगा 1/R2=1/3+1/6। और इसको हल करने पर हमें R2=2 ओम प्राप्त होगा। अब पुनः इस तुल्य प्रतिरोध को परिपथ में प्रतिस्थापित करने पर, अर्थात 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को हटाकर उनके स्थान पर एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। तुल्य प्रतिरोध लगाने पर परिपथ जो हमें प्राप्त होगा, उसमें एक 10 ओम का प्रतिरोध, 2 9 ओम के प्रतिरोध और एक 2 ओम का प्रतिरोध। यहां पर ए एफ के मध्य लगा 9 ओम का प्रतिरोध, एफ सी के मध्य लगा 2 ओम का प्रतिरोध तथा बी सी के मध्य लगा 9 ओम का प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित हैं कि उनमें समान धारा प्रवाहित होगी, अर्थात वो दोनों तीनों श्रेणी क्रम में हैं। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R3 होगा 9+2+9।
अर्थात 20 ओम। अब इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर एक 20 ओम का प्रतिरोध हम परिपथ में प्रतिस्थापित करेंगे, जिसके हमें चित्र में दिखाए अनुसार परिपथ प्राप्त होगा, जिसमें ए और बी के मध्य दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम के होंगे। ये दोनों प्रतिरोध समानांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध RAB को निकालने के लिए 1/RAB = 1/10 + 1/20। अब इसको हल करने पर हमें RAB का मान 20/3 ओम प्राप्त होता है, अर्थात जो मूल परिपथ दिया गया था जिसमें अनेक प्रतिरोध लगे थे उसका एक तुल्य प्रतिरोध AB के मध्य 20/3 ओम का होगा। दूसरी प्रॉब्लम, टू वोल्ट मीटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सप्लाई ऑफ 480 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए इज 5000 ओम एंड दैट ऑफ बी इज 15000 ओम, देन व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। दो वोल्ट मीटर ए और बी एक 480 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है, ए तथा बी श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि वोल्ट मीटर ए का प्रतिरोध 5000 ओम तथा बी का 15000 ओम है तो हमें दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्ञात करनी है। इसके लिए हम सर्वप्रथम परिपथ बनाएंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। VA तथा VB दो वोल्ट मीटर हो गए, A और B वोल्ट मीटर, जिनका वोल्ट मीटर रीडिंग VA तथा VB है। A वोल्ट मीटर का प्रतिरोध RA 5000 ओम है तथा B वोल्ट मीटर का प्रतिरोध RB = 15000 ओम है। ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है और इनके पार्श्व में एक 480 वोल्ट का सप्लाई लगी हुई है। चूंकि ये दोनों वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में संयोजित है, अतः परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो 5000 + 15000 ओम अर्थात = 20000 ओम होगा। अब 20000 ओम का कुल प्रतिरोध 480 वोल्ट की सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान होगा 480/20000 अर्थात 3/125। अब हम VA का मान जो कि वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी उसका मान बराबर होगा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनटू उसमें बहने वाली धारा। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर A विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस RA अर्थात 3/125 × 5000 = 120 वोल्ट। इसी तरह रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बी वोल्टेज अक्रॉस आर बी 3/125 × 15000 = 360 वोल्ट। अर्थात प्रति वोल्ट मीटर ए की रीडिंग 120 वोल्ट तथा वोल्ट मीटर बी की रीडिंग 360 वोल्ट होगी है, जो कि समांतर क्रम में संयोजित है और एक 100 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस
लगी हुई है। यदि एक कॉइल 600 वाट पावर कंज्यूम करती है तो हमें दूसरी कॉइल का प्रतिरोध निकालना है।